अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सादियाज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में आप सादा गोल गल्ला सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे, फिर उसको सिलाई करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। गल्ला बनाने के लिए हमारे पास जो साइज़ है वो 3.5 साल के बच्चे का है। चलिए अब हम गल्ला बनाते हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे, फिर उसकी सिलाई करेंगे। लंबाई हमारे पास 4.5 इंच है। चौड़ाई हमारे पास 2.2 इंच है। लंबाई और चौड़ाई का हम निशान लगा चुके हैं, अब हम इसकी गुलाई करेंगे। दूसरे साइड वाले आप निशान लगाएंगे। इस तरीके से लगाने के बाद आप गला कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आपने इस तरह इसे बना लेना है। हमारा ये गला कटिंग हो चुका है, अब हम इसे कपड़े पे लगाएंगे। आप इसे अच्छे तरीके से सेट करेंगे। जो शाइनिंग वाली साइड होगी आप नीचे लगाएंगे। हमारा ये गला लग चुका है, एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे इस तरीके से। आपने इतना कपड़ा रखना है इसके साथ। हो चुका है, अब हम इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फोल्ड करते जाएं, साथ सिलाई लगाते जाना। आप चाहे इसे फोल्ड कर सकते हैं। साथ साथ इसकी गुलाई करते जाएं, इसे फोल्ड करते जाएं। देखिए हमारी ये सिलाई लग चुकी है, अब हम इस तरह कपड़े का दरमियान करेंगे। इस तरह से प्रेस करने के बाद इस तरह कमीज की सीधी साइड पे पिनों के साथ लगाएंगे। कमीज का भी आपने हाफ करना है और गले का भी जो आपने बनाया है। पिन्ने लगाने के बाद आपने इस तरीके से गले को चेक करना है कि इसके दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं। इस तरीके से अगर आपका गला ठीक है तो आप सिलाई लगाना शुरू कर दें।
आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अगर चिप्स बुकरम के ऊपर सिलाई आई तो ये ठीक से फोल्ड नहीं होगा। अब आपने यहाँ से इस तरीके से कटिंग करना है। यहाँ से आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं सिलाई तक। अब आपने इस तरीके से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और इस तरीके से मोड़ते जाना है। हमारा ये गला फोल्ड हो चुका है। आपने इसे प्रेस कर लेना है और उसके बाद आपने इसकी तरफाई करनी है। तरफाई करने की वीडियो पहले मैं आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ। ये देखिए हमारा ये गला कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज।